दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं इटावा के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये घटना इटावा के तीन प्रमुख स्थानों से जुड़ी हुई है। इटावा के सुमेर सिंह किला, 22 ख्वाजा और चुगलखोर की मजार से जुड़ी ये घटना आपको हैरान कर देगी। आपको बता दें कि पहले भी कई बार लोगों ने इस घटना के बारे में अलग अलग तरह से बताया है, लेकिन जिस तरह से आज हम आपको इस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और काफी हद तक सटीक लगती है। हालांकि हम भी इस घटना की प्रस्तुति लोगों के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर ही कर रहे हैं। इस घटना को विस्तार से समझने के लिए हम इसकी शुरुआत इटावा के दतावली गांव के पास मौजूद चुगलखोर की मजार से करते हैं। आपको बता दें कि इटावा में गांव दतावली के पास बनी इस मजार को चुगलखोर की मजार कहा जाता है। इस मजार का नाम चुगलखोर की मजार होने के पीछे कई कहावतें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। कुछ समय पहले तक लोग इस मजार पर जूते चप्पल आदि भी मारा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस कब्र में दफन व्यक्ति ने किसी राजा के साथ चुगलखोरी की थी। चुगलखोर की मजार पर जूते चप्पल मारने को लेकर कई कहावतें और भी हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि कब्र में दफन व्यक्ति ने राजा सुमेर सिंह के साथ चुगलखोरी की थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उसने मोहम्मद गौरी के साथ चुगलखोरी की थी, जिसकी मृत्यु के बाद यह मजार बनाई गई। लेकिन इन कहावतों पर तब सवाल उठने लगे जब लोगों ने कहा कि यदि कोई आदमी किसी राजा के साथ गद्दारी या चुगलखोरी करेगा तो राजा उसे मरवाने के बाद उसकी मजार या कब्र क्यों बनवाएगा। इसी बात की पड़ताल करते हुए हमें एक और कहावत के बारे में पता लगा जो काफी हद तक सटीक लगती है। तो ये है वो कहावत। सन 1194 के दौरान जब मोहम्मद गौरी कन्नौज के राजा जयचंद के साथ युद्ध करने जा रहा था, उसी दौरान मोहम्मद गौरी ने अपने 22 खास सैनिकों के साथ इटावा के राजा सुमेर सिंह पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। मोहम्मद गौरी के 22 खास सैनिक आक्रमण की तैयारी के साथ इटावा के सुमेर सिंह किले से कुछ दूर पहले एक स्थान पर छुप गए। 22 सैनिकों के छुपे होने की खबर कुछ खास लोगों को ही थी, जिनमें एक मुस्लिम व्यक्ति इटावा के दतावली का रहने वाला था और वह इटावा के किले में कर्मचारी भी था। जब उस कर्मचारी को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ तो उसने मोहम्मद गौरी के 22 सैनिकों के छुपे होने और इटावा किले पर आक्रमण होने की जानकारी राजा सुमेर सिंह को दे दी। राजा सुमेर सिंह ने बिना देर किए हुए अपने सैनिकों को भेजकर एक योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद गौरी के उन 22 सैनिकों को मरवा डाला। इस दौरान मोहम्मद गौरी बचने में सफल रहा। आपको बता दें कि इटावा में जिस जगह पर मोहम्मद गौरी के 22 सैनिकों को मारा गया था, आज उसे 22 ख्वाजा के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज भी 22 कब्रें मौजूद हैं। तो इसका नाम 22 ख्वाजा कैसे पड़ गया? 22 ख्वाजा के नाम से चला है, 22 कब्रें हैं इसमें अंदर। अच्छा, 22 कब्रें। तो जो 22 वो लोग कौन थे जिनकी कब्रें हैं? ये उन्हीं के साथ के थे। अच्छा अच्छा, मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के साथ के थे। जी हां। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तभी से ये उसी टाइम से चला रहा है ये कब्र। इसी दौरान उस मुस्लिम कर्मचारी की भी मौत हो जाती है जिसने राजा सुमेर सिंह को मोहम्मद गौरी के 22 सैनिकों के छुपे होने की खबर दी थी। राजा सुमेर सिंह उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके सम्मान में उसके गांव दतावली के पास एक मजार बनवाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद दतावली में उस कर्मचारी के सम्मान में उसकी मजार बनाई जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इटावा में भी मुगलों का शासन प्रभाव बढ़ जाता है। मोहम्मद गौरी के समर्थकों को जब यह बात पता चलती है कि जिस व्यक्ति ने मोहम्मद गौरी के साथ चुगलखोरी की थी
ये उसी व्यक्ति की मजार है, तो उसके समर्थक इस मजार को चुगलखोर की मजार बोलने लगते हैं और उस मुस्लिम कर्मचारी की कब्र पर जूते चप्पल आदि मारने की परंपरा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मजार से जुड़ी हुई यह कहावत अन्य कहावतों की अपेक्षा काफी हद तक ठीक लगती है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस कहावत के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपने भी इसके बारे में कुछ ऐसी कहानियां सुन रखी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।